जय माता दी, जय मां कामाख्या, कामाख्ये वरदे देवी नीलपत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्चिद्धये। महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि कामाख्या देवी की साधना कैसे करें। मनुष्य भटकता है, जो साधक लोग रहते हैं उनको यह मालूम नहीं होता कि साधना कैसे करें। किताबों में पढ़ते हैं, किताबों में अधूरा ज्ञान होता है और अधूरा ज्ञान जो है खतरनाक होता है। और जो शक्ति की साधना करना चाहते हो उनको कामाख्या की साधना करना ही चाहिए। सभी साधकों को एक बार दो बार या चार बार इस साधना का एक वर्ष में अवश्य रिपीट करना चाहिए। यह साधना जब हम करते हैं तो किसी के चक्र के शोधन ओधन की आवश्यकता नहीं होती, कलादि शोधन की आवश्यकता नहीं होती है। और इस साधना को करने से बहुत से विघ्न बाधा दूर होते हैं और शीघ्र दूर होते हैं और सिद्धि भी प्राप्त होती है। यह साधना करके आप प्रारब्ध को भोग कर उन्नति के मार्ग में सफल हो सकते हो। इस साधना में शारीरिक मानसिक शुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए प्रातः काल अथवा रात्रि काल में स्नान से निवृत्त होकर पश्चिम अथवा उत्तर दिशा में मुख कर लाल ऊन के आसन पर बैठकर यह सुनिश्चित कर लें बैठने के पहले कि किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस न हो और कमरे को अंदर से बंद कर लें। और आसन स्थल पर ग्रहण करने के बाद शरीर एवं आसन पवित्रीकरण के बाद अपने सामने चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर किसी भी देवी की प्रतिमा अथवा चित्र या केवल प्रतीकात्मक रूप में रख दें। अगर न भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मां कामाख्या का कोई भी विग्रह नहीं है, वो निराकार है, इसलिए कुछ भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। केवल घी के दीपक से ही आपका काम चल सकता है। एक कलश की स्थापना कर लें, दीपक जलाने के बाद साधना प्रारंभ करना है तो नियम के मुताबिक तो विनियोग करना पड़ता है, ऋषि आदि न्यास करना होते हैं, करण न्यास करना होते हैं, अंग न्यास करना होता है, हृदय न्यास करना होता है। ये सब न्यास करने के बाद कामाख्या देवी का ध्यान करें। और कामाख्या देवी का ध्यान आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हो तो हिंदी में पढ़ें कि भगवती कामाख्या लाल वस्त्र धारिणी द्वई भुजा सिंदूर तिलक लगाए हैं, भगवती कामाख्या निर्मल चंद्र के समान उज्जवल एवं कमल के समान सुंदर मुख वाली है, भगवती कामाख्या स्वर्ण आदि से बने मणि माणिक्य से जटित आभूषणों से सुशोभित है, भगवती कामाख्या विविध रत्नों से शोभित सिंहासन पर बैठी हुई है, भगवती कामाख्या मंद मंद मुस्कुरा रही है, भगवती कामाख्या उन्नत पयोधरा वाली है, कृष्ण वर्णा भगवती कामाख्या के बड़े बड़े नेत्र हैं, भगवती कामाख्या विद्याओं द्वारा घिरी हुई है, डाकिनी योगिनी द्वारा शोभायमान है, सुंदर स्त्रियों से विभूषित है, विविध सुगंधों से सुवासित है, हाथों में तांबूल लिए नायिकाओं द्वारा सुशोभितता है, भगवती कामाख्या समस्त सिंह समूहों द्वारा वंदिता है, भगवती कामाख्या त्रिनेत्रा है,
भगवती के अमृतमय वचनों को सुनने के लिए उत्सुक सरस्वती और लक्ष्मी से युक्ता देवी कामाख्या समस्त गुणों से संपन्ना असीम दयामयी एवं मंगल रूपिणी है। इस प्रकार से मां कामाख्या का ध्यान करें और उसके बाद जप प्रारंभ करना चाहिए। पहले मां कामाख्या की प्रार्थना करें, कामाख्या कवच हो सके तो वो पढ़े, कामाख्या स्तुति हो तो वो पढ़े, योनि स्तुति हो तो वो पढ़े। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्थे सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धये। अब इसका भी अर्थ आप समझें, कोई भी काम करें साधना का पहले मंत्र लें तो मंत्र का भी अर्थ समझने का प्रयास करें कि मंत्र से क्या होता है, कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मंत्र विद्या जो है ये ध्वनि पर निर्भर करती है। तो जो मैंने ऊपर पहले प्रार्थना बोली उनका अर्थ है कि हे कामाख्या देवी, कामना पूर्ण करने वाली, कामना की अधिष्ठात्री, शिव की प्रिय, मुझे सदा शुभ कामनाएं दो और मेरी कामनाओं को सिद्ध करो। हे कामना देने वाली, कामना के रूप में ही स्थित रहने वाली सुंदरी और देवगणों से सेविता देवी, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं आपके लिए दर्शन करता हूं। ये इसका अर्थ है। कामाख्या देवी का मंत्र है, जो मनुष्य 41 दिन तक लगातार मां कामाख्या की साधना करता हो तो उसे प्रतिदिन 21, 31 या 41 माला जप करना चाहिए। निम्न मंत्र की जो मैं बोलने जा रहा हूं वो आपकी निश्चित तौर से अभिष्ट जो भी कार्य आपकी इच्छा पूर्ति है, कामना है, उसकी पूर्ति अवश्य करेगा। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम, ये मंत्र जब करना है और जब हवन करना हो तब आपको स्वाहा लगाना है। एक बार और सुन लीजिएगा, इसको बोलने का तरीका क्या होगा आपका। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा। आपको उच्च स्वर में मंत्र को बोलना है जब तक आपकी माला पूरी नहीं हो जाती तब तक। बीच में आप ब्रेक ले सकते हो माला पूर्ण होने पर, परंतु इसके बोलने की लय ताल से ही इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। आप मन ही मन के अंदर बोलोगे, बिना होठ हिलाए बोलोगे तो उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, जो इसका मेन मुख्य कारण है। त्रिम शब्द बोला आपने तो त्रिम अम जिसे जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, हुम शब्द जाने की तबले पर जो धम की मात्रा होती है वो हुम शब्द में आना है। तो इस प्रकार से इसको एक लय ताल में आप जितना लय ताल में आप बोलोगे उतनी जल्दी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। बोलने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, पुनः एक बार और बता देता हूं। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा। इस प्रकार से इसको बोलना है और दशांश हवन अवश्य करें। हवन के लिए आप काले तिल, काली मिर्च, लौंग, मांस और शराब, यह हवन सामग्री में मिला लें और इससे हवन यदि करते हैं तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। अनारदाना भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जवा फूल इसमें प्रयोग कर सकते हो। यह मंत्र महापापों को नष्ट करने वाला है। यदि आप पिछले जन्म में आपने पाप कर्म किए हो, आपकी पत्रिका के अंदर ज्यादा पाप कर्म नजर आते हो तो इस मंत्र की साधना अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र किसी गुरुमुख से लें तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके जब से साधक साक्षात देवी स्वरूप बन जाता है
इसके मंत्र का स्मरण करने से आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। तभी यह मंत्र सिद्ध होता है। यह कलयुग में पापों का नाश करने वाली है और समस्त भोग विलास से उल्लास से पूर्ण करती है। इसलिए इनकी साधना अवश्य करना चाहिए। मां कामाख्या ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा वंदिता है, बुद्धि वृद्धि स्वरूपा है, कामदेव के मनोमोहक बाण के समान अत्यंत कमनिया सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली मां कामाख्या है। मां कामाख्या तंत्र शास्त्र की भी आराध्या है। इसका सकाम अनुष्ठान करने से पहले गुरु आज्ञा अवश्य लेना चाहिए। निष्काम भक्ति तो कभी भी करिए, गुरु आज्ञा की जरूरत नहीं है। परंतु यदि इस मंत्र के माध्यम से सकाम कोई कामना आप कर रहे हैं तो गुरु की अवश्य गुरु की परमिशन बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आप मां कामाख्या की साधना कर सकते हैं। तिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध तिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा। इस लय ताल में आपको मंत्र को बोलना है और कंटिन्यू बोलते जाना है। आपका 100% कंसंट्रेशन वहीं पर ही बनेगा जिस जगह इस मंत्र की शक्ति जाती है। और इस मंत्र को बोलने से धीरे 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 जैसे जैसे समय गुजरेगा आपके रोंगटे खड़े होना चालू हो जाएंगे, यानी आपके शरीर से जो पाप कर्म है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वह सब धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी, अलग हो जाएगी और आपका शरीर निर्मल बन जाएगा। मां भगवती की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। मां भगवती कामाख्या देवी जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी सिंह वाहिनी चंड मंड नाशिनी महिषासुर मर्दनी आपका कल्याण अवश्य करेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जय माता दी।